झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एक चिट्ठी भेजकर सरफराज अहमद के विधायक पद से इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वो सरफराज अहमद के इस्तीफे का कारण को जानना चाहते हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजे और वो इधर से उधर भाग रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति के लिए सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है जो विधायक नहीं है, जिससे कि उसे सांसद के तौर पर चुना जा सके। सीएम को मालूम है कि एक दिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपने सुरक्षित सीट के लिए तलाश में लगे हुए हैं। आप लोग को लगता है कि जानकारी थी, जिसके वजह से एक पत्र भी आप लोगों ने गवर्नर को लिखा है कि नॉन एमएलए जो है उसका स्वेयरिंग इन नहीं कराया जाए किसी भी हालत में, क्योंकि संवैधानिक संकट होगा, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के भी वो वायलेशन होगा। देखो सब बात तो आपने बता दिया, कोई छूटा नहीं उसमें। आप बोलिए ना, आप बोलिए सर। क्यों नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दिया 31 तारीख को रात में, तो स्वाभाविक रूप से हमने थोड़ा सा पता करने लगा कि कहीं उनका तबीयत तो नहीं खराब है। लेकिन सब लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, दुरुस्त तंदुरुस्त है और इसके बाद कोई अगर वो रिजाइन देता है तो स्वाभाविक रूप से कई चीज़ों को जन्म देता है और आदमी सोचने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एकदम सोचना भी छोड़ दें। तो लगा कि आखिर जब स्वस्थ हैं और आप 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा को चुनाव होने को, तो फिर आखिर इन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। तब इसका अर्थ ये लगा कि हो ना हो, चूँकि हेमंत सोरेन इन दिनों आप